हेलो फ्रेंड्स, जिम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाएंगे, माइक्रो लेसन प्लान, जो कि एक्सप्लेनिंग स्किल पर है। इंग्लिश के भी हम माइक्रो टीचिंग के वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आए। आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर डेट डालनी है जब भी आप प्रेजेंट करें, सब्जेक्ट डालना है इंग्लिश ग्रामर, या आप उप सब्जेक्ट डाल के इंग्लिश लिख सकते हैं और सब सब्जेक्ट डाल के लिख सकते हैं ग्रामर। क्लास डालनी है आपको, सर्किल डालना है यानी आप पहली बार पढ़ा रहे हैं या दूसरी बार पढ़ा रहे हैं। ड्यूरेशन टाइम डालना है और नेम ऑफ स्किल डालनी है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे चार, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट्स यूज़ इन स्किल, यानी आप कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं इस लेसन प्लान में, इस सूक्ष्म लेसन प्लान में या माइक्रो लेसन प्लान में। टीचर एक्टिविटी में आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो लिखेंगे, बच्चे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, और बच्चे यदि सुन रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पे कंपोनेंट्स डालेंगे। कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको आपको याद भी होना चाहिए, इसकी आप बाद में एक टेबल भी बनता है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से आप जो जो भी कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं आप पूछेंगे, बताएंगे उनको और वो आंसर करेंगे। इस तरीके से जैसे शुरू में आपने बिगनिंग स्टेटमेंट दिया तो BS घटक इस्तेमाल हुआ है यानी कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से आप और प्रश्न करते जाएंगे और जो घटक आप करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने यूजिंग ब्लैक बोर्ड किया, एक्सप्लेन करते करते आपने ब्लैक बोर्ड पर भी बताया, तो यहाँ पे आपका विजुअल एक्टिविटी हुई, तो ये दो घटक इस्तेमाल हुए या कंपोनेंट इस्तेमाल हुए। इस तरीके से आप उनसे क्वेश्चन करेंगे और जो भी घटक होते जाएंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे तरीके से सारा। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, जिसमें एक तरफ पूरे कंपोनेंट्स लिखेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स के शॉर्ट फॉर्म ही लिखे हुए हैं। इसके जो फुल फॉर्म है उसके लिए आप एक्सप्लेनिंग स्किल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको टेबल बनाना है जिसमें आपको उसके जितनी भी बार आपने उनका यूज़ किया उस अकॉर्डिंग आपने उसमें टिक करना है, जैसे कि बिगनिंग स्टेटमेंट का एक बार यूज़ किया, CS का एक बार यूज़ किया, EL का दो बार इस्तेमाल किया, CEP का दो बार किया, ESU का दो बार किया, UV का एक बार किया। इस तरीके से आपको जिस भी घटक का जितनी बार इस्तेमाल हो रहा है उसकी जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उस पर आपको टिक करना है। तो ये हुई उसकी कंपोनेंट की तालिका या टेबल। और भी तरीके से बनता है, आप इसको वो गुड बेस्ट और एक्सीलेंट करके भी, कि ये वाले जो भी कंपोनेंट है इसका गुड यूज़ हुआ, एक्सेलेंट यूज़ हुआ, इस तरीके से भी स्किल सारणी स्किल टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।